आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे। आज हम बनाने जा रहे हैं यमी समोसे। तो उसके लिए हम सबसे पहले आटा तैयार करेंगे। तो उसके लिए आटे के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन लेंगे। उसको हम ऐसे क्रश करके आटे में मिला लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधी चम्मच, और थोड़ा सा हम घी लेंगे मौन के लिए, जिससे कि हमारे समोसे खस्ता बनेंगे बिल्कुल मार्केट जैसे। और ये इतना नहीं, सामग्री 10 समोसे के लिए पर्याप्त है। इतना हम घी डालेंगे कि जिससे कि हमारे समोसे में ऐसा मुट्ठी बनने लग जाए। इसमें थोड़ा सा पानी लगेगा, तो वो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसके अंदर, जिससे कि हमारा डफ तैयार हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर डालेंगे। इसमें हमारा पानी 1/2 कप पानी आराम से लग जाएगा। गूंद करके, अब हमारा आटा गूंद करके तैयार हो गया है। अभी हम इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर इसको ढक के रख देंगे। अब हम यहाँ पर इसकी स्टफिंग के लिए गैस चालू करते हैं। इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे हम, 1 टेबल स्पून ऑयल। इसके लिए हमको सामग्री चाहिए, 4 आलू उबले हुए, धनिया पत्ती, कड़ी पत्ता, अगर आपके पास पुदीना की पत्तियां हो तो ऑप्शनल है, 2 हरी मिर्ची, मसाला यहाँ पर काला नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, काली मिर्ची थोड़ी सी आधे चम्मच काला नमक, जीरा पाउडर, सौंफ और स्वाद के अनुसार नमक। तो अभी ये हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा पाउडर, सौंफ, थोड़े से कड़ी पत्ते, पुदीना पत्ती थोड़ी सा, समोसे में खुशबू बहुत अच्छी आती है पुदीना पत्ती डालने से, 2 हरी मिर्ची, इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे हम, आलू डाल देंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे, मिक्स करेंगे। गैस हमारा बुझ गया, इसलिए
इसमें हम बाकी के मसाले जो हमने रखे हुए हैं उनको डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। धनिया पाउडर आधे चम्मच, लाल मिर्ची आधे चम्मच, अमचूर पाउडर आधे चम्मच, धनिया पाउडर आधे चम्मच, काला नमक आधा चम्मच है और हमारी काली मिर्ची जो है एक चौथाई चम्मच। ये सारे मसाले हमने डाल दिए इसमें और नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। नमक हम डालेंगे इसमें एक चम्मच, क्योंकि हमने काला नमक भी डाला है आधे चम्मच, इसलिए हम नमक एक चम्मच से थोड़ा पौने एक चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। देखो कलर कितना सुंदर आया है इसमें। ये हमारा मसाला बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हो रहा है। अब इसमें हमारा जब तक हमारा आटा भी सेट हो गया है और थोड़ी सी हरी पत्तियां डालेंगे इसमें हम, धनिया पत्ती, शक्कर डालना हो तो शक्कर भी डाल सकते हैं आप, ऑप्शनल है वो, किसी किसी को मीठा समोसा पसंद आता है किसी को नहीं, तो हमने यहाँ पर शक्कर नहीं डाली है। और ये मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। आटा हमारा सेट हो चुका है, देखियो कितना अच्छा आटा सेट हुआ है। अभी इसकी हम लोइयां बनाएंगे। इसको बेलेंगे। ना हम इसको ज्यादा मोटी बेलेंगे और ना ही हम इसको एकदम पापड़ जैसे पतली करेंगे, हम एकदम इसको मीडियम बेलेंगे। इसको थोड़ा ओवल शेप में हम इसको बेलेंगे। अब हम इसको बीच में से कट करेंगे। एक को हम यहाँ साइड में रख देते हैं, एक को यहाँ रख देते हैं। इसमें थोड़ा सा हम ये वाले कॉर्नर पे पानी लगाएंगे, इसको हम पूरा यहाँ तक मोड़ देंगे। और इसमें हम ये हमारा स्टफिंग करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी का हाथ लगाएंगे जिससे कि वो अच्छी तरह से चिपक जाए, नहीं तो अगर हम अच्छे से इसमें पानी नहीं लगाएंगे तो ये हमारा फ्राई करते टाइम खुलने के चांसेस रहेंगे। और ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो हमारे साइड करेंगे और सामने से हम इसको एक प्लेट मार के इसको हम चिपका देंगे। हमारा समोसा तैयार हो गया। ऐसे ही हम एक और बना लेंगे।
से डबल, इसमें हम बबल स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के बाद वापस से हम इसमें पानी लगाएंगे जिससे कि वो अच्छे से पैक हो जाए। अब यहाँ से एक प्लेट लेंगे हम एक ऐसी, और ये जुड़ा हुआ मेरी से हमारा अपनी साइड लेंगे ऐसे। सारे समोसे अभी बन करके तैयार हो गए हमारे। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे एक एक करके। हम इनको याद रखें कि कढ़ाई ज्यादा तेज ना हो ना ही ज्यादा धीमी हो, मीडियम आंच पर हम इन समोसों को फ्राई करेंगे। हमारे अभी सारे समोसे हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं सारे समोसे। अब हमारे देखो कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे समोसे। अभी हम तीन प्लेट में डाल देंगे। देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी समोसे बने। इसी तरह से हम हमारे दूसरे वाले समोसे भी हम इसमें ऐसे ही डालेंगे। बहुत ही अच्छे समोसे हमारे बन करके तैयार हो गए हैं, एकदम मार्केट जैसे ही समोसे बन गए हमारे। तो ये हम अब इनको सर्व प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही गर्म है, देखिए कितने क्रिस्पी और कितने करारे समोसे हमारे बने हैं। तो प्लीज आप हमारा सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक भी करिए। अगर आपको ये आप घर पे बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत ही मार्केट से भी अच्छे यहाँ पर समोसे बन करके तैयार हुए हैं। धन्यवाद।